हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं आप लोगों का हूँ माफिया मैट्रिक्स। आज आप लोगों का हमारी फिर से एक और न्यू वीडियो में स्वागत है गाइस। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाले हैं भाई, आप जिगली मूवमेंट इन थम कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, मुझे पता है भाई थम में थोड़ी मूवमेंट करनी यार डिफ़िकल्ट होती है, पर भाई डिफ़िकल्ट होती नहीं, हम लोग ही उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं। ठीक है यार, जिगली मूवमेंट खासकर भाई जैरो, जिनका फ़ोन जैरो सपोर्ट करता है भाई, उसमें तो रामदारी से हो जाती है भाई। मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 ट्रिक तो भाई जिगली मूवमेंट के बारे में बताऊंगा भाई, वो होती कैसे है और जॉयस्टिक की प्लेसमेंट। ठीक है, और भाई चौथी मेरी ड्रिल होगी। ठीक है गाइस, और भाई है ना जल्दी से चैट में जाकर लिखो दे जिगर, और भाई हैशटैग और टपा टप। सो गाइस, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। सो गाइस, बिना टाइम गवाते हमारी वीडियो को करते हैं शुरू। लेट गेट इनटू द वीडियो। हेलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट ट्रिक की तरफ। यार बहुत लोगों का यार जॉइक का साइज 100-200 पर होता है भाई। पहले आपको नॉर्मल दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरी जॉयस्टिक का साइज यार नॉर्मल 200-100 पर है। और भाई 100 में आपको मूवमेंट करके दिखाऊंगा भाई कैसे यार कितनी एक्यूरेट होती है। आप देख सकते हैं इतनी यार मूवमेंट नहीं हो रही लेफ्ट राइट पर, हो तो रही है भाई पर इतनी ही हो ज़्यादा हो रही। जब यार हम इसी को जॉयस्टिक के साइज़ को यार 200 पर करते हैं 180 पर, भाई मूवमेंट तो यार होती है पर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए। एक मिनट भाई, कभी भी यार जो जिगली मूवमेंट है ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जिगली मूवमेंट कम ही लगेगी, क्योंकि यार आप कभी अपने दोस्त को कहना भाई TDM रिकॉर्ड कर, और जब वो रिकॉर्ड करेगा उसको कह भाई देखना मेरी जिगली मूवमेंट कितनी हो रही है। भाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है भाई, ये जिगली मूवमेंट यही होती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कम लगती है और एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा। आप देख सकते हैं मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए लेफ्ट राइट करने के लिए। सो गाइस, यही बता रहा हूँ जॉयस्टिक का साइज़ यार इसका कम ही रखें। जैसे कि मैं आप इसका साइज़ बताऊँगा यार कितना रखना है, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ इसका साइज़ यार 80 पर रखें, क्योंकि यार 80 पर यार इतनी अच्छी मूवमेंट होगी, मैं बता ही देता हूँ आपको, दिखाता हूँ भाई कैसे 80 पर यार लाजवाब मूवमेंट होगी आपकी। देख सकते हो, अब देखो मैंने कर दी 80 पर, एक ये 80 ना भाई, ये जिगली जो अपनी जॉयस्टिक है ना 80 या 75 के बीच में रखना। ठीक है भाई, यहाँ पर आपकी आपको कम एरिया चाहिएगा लेफ्ट और राइट करने के लिए। ये देखो, आप देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है भाई। एनिमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यार कम लगेगी, बट एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवमेंट यार बहुत ज़्यादा लगेगी उसको। सो गाइस, यही मैं इसमें बताना चाहता था। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी टिप की तरफ। चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी दूसरी टिप की तरफ भाई। इस टिप में मैं यही बताना चाहता हूँ भाई, जो आपकी जॉयस्टिक है ठीक है ना, आपकी जो जॉयस्टिक है यार वहाँ पर रखें जहाँ पर आपका थंब हमेशा टिकता है। जैसे कि ये देख सकते हैं, चलो मैं इसको राइट की तरफ लेकर जाता हूँ, मैंने यहाँ पर रख दिया इसको। ठीक है, राइट में रखने के बाद भाई मेरा थंब तो टिकता है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट के सेंटर में। ठीक है भाई, और ये देखो मेरा बंदा लेफ्ट की तरफ जा रहा, क्योंकि मेरा थंब भी लेफ्ट पर टिकता है। मैं इतना थोड़ी यार उतना कवर कर लूँगा एरिया वहाँ तक। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी अपना यार जॉयस्टिक बहुत दूर ना रखें, जहाँ पर आपका थंब टिकता है वहाँ पर जॉयस्टिक को रखना चाहिए, ये मेरा मेन पॉइंट है। अब ये देखो, जब कई लोगों का यार इतना नीचे रखा होता है, इतना नीचे यार रख क्या होता है, क्योंकि गूठा था उनका साला फिर भी ऊपर ही टिकता है। जब वो चलो वो आगे तो बढ़ जाते हैं, उनको पीछे आने में देखो कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। जब हमको यही जॉयस्टिक हमेशा वहाँ पर रखनी चाहिए जहाँ पर, ये देखो मेरा थंब यहाँ पर हमेशा यहाँ पर ही टिकता है, और देखो आगे जाने में पीछा है, देखो पीछे भी आ जाता हूँ, आगे भी जाओ पीछे जाओ। ये देखो, आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जहाँ पर मैं थंब रखता हूँ वहाँ पर ही मेरा जॉयस्टिक है। सो इसकी मैं इस ट्रिक में या गाइस में आप लोगों को यही बताना चाहता था, अपनी जॉयस्टिक वही गाइस वहाँ पर ही रखें जहाँ पर आपका थंब टिकता है। सो गाइस, आप लोगों को यही बताना चाहता था इस टिप में भाई। और चलो, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी टिप की तरफ।
चलो गाइस बढ़ते हैं हमारी तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप में यार ये है कि मुझे यार बहुत लोग ये बोलते हैं भाई हम स्कोप इन करते हैं, हाँ ठीक है, वो पूरी यार जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट करते हैं और भाई बंदा हमको यार मार जाता है हमारी जितनी मूवमेंट करके यार, हम पूरा यार अपनी रेड डॉट को लेफ्ट राइट भाई यार चिकली मूवमेंट का मतलब होता है भाई हिप फायर से बंदे को मारना यार, जो ऐसे स्कोप इन करके यार क्या मूवमेंट होती है देख सकते हो यार, मैं पूरा लेफ्ट राइट कर रहा हूँ बंदा घंटा बंदे को मार पाओगे यार। हिप फायर पे चिकनी मूवमेंट का मतलब होता है बंदे को हिप फायर करके मारना है ये ऐसे। सो यार गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी स्कोप इन जब हम करते हैं ना हमारी यार जो स्कोप इन है वो मूवमेंट रोक देता है, कम से कम भाई स्कोप इन करने से हमारी 80% मूवमेंट रुक जाती है। सो गाइस मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि भाई हिप फायर कर चिगली मूवमेंट करें, क्योंकि भाई चिगली मूवमेंट का मतलब हिप फायर से बंदे को मारना, क्योंकि यार हिप फायर इतनी एक्यूरेट है बंदे को आप इजीली नॉक कर सकते हो भाई। पहले जब मुझे चिगली मूवमेंट के बारे पता नहीं होता था ना तब मैं पता क्या करता है स्कोप इन कर लेता था, मेरे दोस्त बोलते भाई यार तू तो यार क्या कर रहा है स्कोप इन करके क्यों मारता बंदा, फिर मुझे पता लगा भाई हिप फायर से बंदा मरता है, मैं भी कहूँ यार मैं स्कोप इन बंदे को मारा हम सारा मूवमेंट करके ही मार जाता है। फिर भाई जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इस बात पर फ्रेंड्स ने बताया यार ऐसे देख ऐसे करके ऐसे करता है, फिर भाई उनसे सीखा मैंने, फिर उन्होंने ऐसे करके भाई आप आज मेरी जिगली मूवमेंट देख सकते हैं कितनी है। अभी जिसको यार लगता है मेरी मूवमेंट इतनी स्लो है ठीक है वो मेरे साथ कभी भी टीडीएम मैच लगा सकता है ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं जिसने भी मेरे साथ टीडीएम मैच लगाना है 1v5। चलो गाइस अब बढ़ते हैं हमारी चौथी टिप पर। चलो गाइस हमारी चौथी टिप में आप लोग को बताऊंगा ये ड्रिल, ड्रिल से भाई आप जिगली मूवमेंट को कर सकते हो मास्टर। मास्टर करने के लिए गाइस क्या चाहिए, प्रैक्टिस यार, ऑलवेज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट यार, बंदा जब तक प्रैक्टिस नहीं करता ना वो यार लाइफ में कुछ ही नहीं पा सकता। सो यार आपको ड्रिल्स बताने जा रहा हूँ आज, सो है ना आपको ऐसी ड्रिल्स बताऊँ जिससे आप यार जिगली मूवमेंट को बिल्कुल बिल्कुल मास्टर कर सकते हो ठीक है भाई। स्कोप इन करके तो यार जिगली मूवमेंट जिंदगी में मत कीजिए, स्कोप इन से जो यार बंदा हमेशा मरता है। सो ये तो आपको मैंने बता ही दिया पहले भी, अब मैं आपको यार एक टिप बताऊंगा ठीक है जिससे आप यार कतई लेवल जहर लेवल की करेंगे जिगली मूवमेंट जहर लेवल। सो भाई आप जो भी आपकी फेवरेट गन है भाई उससे जिगली मूवमेंट की प्रैक्टिस करें, जैसे कि भाई M4 से इजीली हो जाती है जिगली मूवमेंट ठीक है, फिर आप पहले स्लो करें लेफ्ट राइट स्लो, जल्दी यार जल्दी मत करें यार मूवमेंट पता कैसे होती है ऊपर से नहीं होती कभी भी ना यार सेंटर में होती है ऐसे लेफ्ट राइट सेंटर से, ये जो नीचे से होती है देखो जो मैं कर रहा हूँ ना नीचे से लेफ्ट राइट ऐसे मूवमेंट होती है भाई, जब हम आगे से करते हैं बंदा हमारा आगे बग जाता है ऐसे मूवमेंट होती है नीचे से लेफ्ट राइट करके, इसको कहते हैं हम जिगली मूवमेंट ठीक है भाई, ना ऊपर से होती है ना लेफ्ट राइट से, नीचे से होती है नीचे के लेफ्ट राइट से ठीक है, उस कोने से उस कोने तक लेकर जाती है। पहले भाई ये स्लो कीजिए यार जल्दी मत करना, जल्दी में आप यार आपसे एम नहीं लगेगा। सो गाइस इसी पर हमारी अगली वीडियो ये आएगी भाई कि आप जिगली मूवमेंट करते करते भाई सिर पर एम कैसे लगा कर रखेंगे, मैग्नेट की तरह भाई कैसे सिर पर एम चुपका सकते हो भाई, कभी भी यार रुक कर गोली मत मारो। जब आप कहते हो यार हम तो फिर भी थोड़ी सी जिगली मूवमेंट कर रहे थे बंदा हमें फिर भी मार गया, भाई जिगली मूवमेंट यार स्लो मत कीजिए तेज करें, पर भाई ट्रेनिंग मोड में जाएं स्लोली स्लोली लेफ्ट राइट करें। सो यार गाइस जो यहाँ पर पुतले दिख रहे हैं ये वाले यहाँ पर आके प्रैक्टिस किया कीजिए, जैसे कि देख सकते हो इस पुतले पर मारा करो ऐसे लेफ्ट राइट करके, पहले स्लो पहले इसको देखो फॉलो करो इसको ऐसे लेफ्ट राइट, पहले भाई इसको फॉलो करना सीखिए। जो बंदे कहते हैं भाई हम जिगली मूवमेंट करते हैं भी करते हैं पर हमसे लगता नहीं, वो भी हमारे जिगली मूवमेंट करके हमें मार जाता है, वो इसलिए मार जाता है गाइस क्योंकि वो भी आजकल मूवमेंट ज़्यादा होने लगी भाई बड़ी रैंक के ऊपर, इस पर तो यार हर कोई जिगली मूवमेंट करता है। सो आपको यही बताना चाहता हूँ गाइस यहाँ पुतलों को ये आपको फॉलो करना है, जैसे वो जाएगा लेफ्ट उसके भी लेफ्ट लेकर जाना अपने राइट, राइट को लेकर जाना लेफ्ट को लेकर जाना फिर राइट को, ऐसे ही आप सीखोगे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, बिना प्रैक्टिस के भाई कुछ नहीं बनता आजकल। तो आप देख सकते हो इसको जब ऐसे ऐसे भाई गोली मारो हेड पर मारने की कोशिश करो, जो इसके पुतला है भाई सेध से मारने की कोशिश करो इसको ज़्यादातर, तभी तो आपका हेड पर एम बैठेगा।
सो गाइस इस ड्रिल में आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंदे के यहाँ पुतलों पर प्रैक्टिस कीजिए तो आप इजीली वो कर सकते भाई। यहाँ पर इस जो जो आपको चार पुतले दिख रहे हैं यार ये सिर्फ बंदे के यार सिर्फ हमारे सामने वाला भी इतनी हाइट पर ही होता है। यहाँ पर आपने हेड पर प्रैक्टिस कर ला ली ना एक बार भाई गाइस आप मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को यार एकदम हाई लेवल की जिगली मूवमेंट कर लोगे। हाई लेवल की आप देख सकते हैं यार मैं कैसे कर रहा हूँ अपनी जिगली मूवमेंट। सो गाइस मैं आपको यही बताना चाहता था इन ड्रिलों में कि गाइस यार प्रैक्टिस करो यार प्रैक्टिस से ही बंदा प्रो बनता है। सो गाइस बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस। और जो मेरा दोस्त है ना माफिया गेमिंग यार उन्होंने न्यू चैनल बना लिया अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना यार बंदा पूरी मेहनत कर रहा है। जो आप थंबनेल्स देख रहे हो मेरे इतने एक्यूरेट भाई वो ही बना रहा है हमारा माफिया गेमिंग भाई। सो मैं उसका गाइस चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका चैनल का मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस बाय बाय माफिया मैट्रिक्स साइनिंग आउट। Stop what you're doing and listen.